एक्सक्यूज मी सर, सर वो मैंने कहना था मेरा इसका जो प्रेजेंटेशन है मेरे साथ ग्रुप नहीं है, मैं अकेली हूँ। कर लेते हैं फाइनल इसको, नो वरी अबाउट इट। ठीक है ओके सर, पहले प्रेजेंटेशन होगी कि आप पढ़ाएंगे? प्रेजेंटेशन ले लेते हैं पहले। अच्छा कौकब, डू यू हियर मी? यस सर। अच्छा एक काम तो करो यार, तुम ना दो मुझे फाइल्स बना दो, एक वर्ड की फाइल में ना तुम ग्रुप जो है वो यस लिख दो, लिख दो फूड बाय टैग के, और उनके आगे बच्चों ने पूछ के टॉपिक लिख दो जो मेरे पास वो मैं पेजेस हैं मैं छोड़ रहा हूँ ऑफिस में। ठीक है तो उसके बाद जो दूसरी फाइल बना दो उसमें जो ग्रुप्स हैं सेल एंट्री की करते थे वो मुझे पूछ, उसके सामने ग्रुप मैन लिख के मुझे वो भिजवा दो, जो टॉपिक के लिस्ट की साइड में, और प्लीज सारे इसके साथ कम्युनिकेट कर लें तुम बता दीजिएगा तो पहले, ताकि मेरे को डेटा आ जाए उसके अकॉर्डिंग मैं उसको मैनेज कर सकूँ। तो चलें सही है। सो दिस इज, हाँ दिस इज सेल एंट्री की कल्चर क्लास एंड वी हैव अ प्रेजेंटेशन टुडे and this is about the 2D and 3D cell culture. भाई आप लोगों की तैयारी है 2D and 3D cell culture? Yes sir. Yes sir, आप screen share कर दें। मैं कर देता हूँ, लेकिन मुझे आपने सिर्फ ये करना है कि आपने पहले ना ये बताना है कि what is actually 2D and 3D difference, और हम फिर 3D की तरफ क्यों जाते हैं, ये है आपकी presentation में? Yes sir, ये सारा कुछ है सर। बहुत ज्यादा चीजें थी जो ऐड करनी थी, लेकिन सर टाइम की वजह से वो ऐड नहीं की। हम कितने टाइम से बनाई है आपने? सर 8.5 की बनाई है दोनों की मिला के, लेकिन नो सर मेरी अकेले की, मतलब 9 तक जा रही है वो, लेकिन काफी चीजें मुझे काटनी भी पड़ी। माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में काफी बनाना था कि ट्यूमर और भी काफी चीजें थी, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था तो फिर मैंने नहीं उसको ऐड किया। हाँ चलें, वो मैं असाइनमेंट में ऐड कर लूंगी। ठीक है चलें इसको करें शेयर। सर स्क्रीन शेयर एनेबल कर दें। एनेबल्ड है। ओके सर। सर मैं स्टार्ट करूं? सर मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी हाँ जी करें साहब। ऐसा करें ये रद्दी रद्दी वाले को पहले गुजर लेने में तो हमारी प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। सर मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। इट्स फाइन इट्स फाइन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sidra Noor and my co-presenter is Latba Tahir. Today we are going to present a review article named 2D and 3D cell culture and comparison of different type of cell, cancer cell Sidra, culture. Sidra, इसे slide show करें, इसे presenter view में रहे ना, तो display पे करें पूरा। सर एक्चुअली ना मैंने यहाँ पे ना pen mode on करना है, highlighter, तो उसमें फिर वो आएगा नहीं? नहीं उसमें आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, आप उसको जाएं।
स्प्लेंडर मॉल में जाऊं? सर उसमें नहीं आता, मैंने चेक किया था आपने हाइलाइटर ही उसमें, ऑन करना हाइलाइटेड ना। नहीं आता आएगा आएगा, अब जी। राइट क्लिक करें, पॉइंटर ऑप्शंस आएंगे आपके पास, सेंटर में सर आके मैंने ना चेक इसको किया था, नहीं आ रहा सर, नहीं आता। आपने इस पे क्लिक करना है बच्चे, जो इसके नीचे है ना, नीचे आप जैसे साथ जो प्रेजेंटर व्यू पे जाए ना, आप यू आर नॉट ऑन द प्रेजेंटर व्यू, प्रेजेंटर व्यू जो है वो नीचे है एंड पे, इसके साथ राइट पे। हाँ ये प्रेजेंटर व्यू, अब राइट क्लिक करें, अब आपके पास पॉइंटर ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है इसमें आगे हाइलाइटर होगा, ओके ये आ रहा है। सर शुरू से स्टार्ट करूं? सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ 2D एंड 3D सेल, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट 2D एंड 3D सेल कल्चर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, व्हाई वी नीड सेल कल्चर टू अंडरस्टैंड टिश्यू मॉर्फोलॉजी, प्रोटीन फंक्शन, ड्रग एक्शन, प्री क्लिनिकल रिसर्च एंड टू अंडरस्टैंड द ट्यूमर बायोलॉजी सो वी कैन ऑप्टिमाइज रेडियो एंड फिजियोथेरेपी। So how to obtain, we can obtain it from directly from the tissue, secondary cell lines and bioresource sensor, a American type culture collection. There are two type of cell culture, adherent and suspension. So most commonly used cell cultures are 2D, but 3D cultures have been gaining popularity. So I am going to tell you what is 2D culture and what is 3D culture, why 3D culture has been gaining popularity. So let's start from what is 2D culture. In 2D adherent culture, I'm using word adherent, not suspension culture. A cell grow as a monolayer attached to a surface. We provide appropriate environmental condition, well-defined media. We have already studied that. But there are many disadvantages that is associated with the 2D culture. Here's the diagram that shows the monolayer of the cell. In petri dish or flask. But there are many disadvantages that is associated with the 2D culture. First, it cannot depict how cell grow in vivo. In vivo means inside our body. Because in vivo, there is not single layer of cell, but there is three-dimensional structure of cell that going to be functional. So with the other disadvantages of 2D culture, it do not mimic the natural structure of tissue. It do not mimic the natural structure of tumor mass in case of cancer research. So another disadvantages that is associated with the 2D culture is cell-to-cell and cell-to-extracellular environment interaction. Now, these interactions are very much responsible for various functions, such as cell differentiation, proliferation. We know that what is differentiation, proliferation, division, vitality, actively growing cell, gene expression, responsiveness to the stimuli, neurons, which stimuli of their drug metabolism, in case of drug action, ultimately, all these structures, all these functions disturbed due to these loss of interaction, due to disturbance in these interaction, which causes a loss of diverse phenotype. It also causes a loss of polarity. Cell have polarity to for that single transduction, but due to loss of these function, we lost cell loss for polarity. Another disadvantages of 2D culture, it has unlimited access to the nucleus. As we see in the diagram, there is a direct exchange of nutrient to the cell and to the medium. But in tissue, we have a capillary layer in which nutrients are transferred or exchanged. It has in vivo is more variable access. It may be variable access. Next, disadvantages, it change the morphology, it change the mode of division, it change the splicing of the cell, it change topology and biochemistry of the cell. The biggest advantages of the 2D culture in the cancer research are is the lack of tumor microenvironment, which we call NICs or niches. And what is NIC? These niches are formed around the tissue, around the tumor, which contain different type of cancers initiating cell. It depends which type of cancer it is: brain cancer, blood cancer, liver cancer. In the case of brain cancer, cancer initiating cells are astrocytes, pericytes, endothelial cell, different type of cells are present in the tumor. But in 2D cultures, we can grow only one type of cell. 2D cultures are monocultures, but for the study of tumor microenvironment, we need different type of cells. It's a biggest drawback in the case of cancer research. Then why we are most commonly used 2D cultures? If it has so many disadvantages, then why 2D culture are most commonly used? Because they are cheap, they are low cost maintenance.
नेक्स्ट इज 3D कल्चर. व्हाट इज 3D कल्चर? इट मिमिक द नेचर एनवायरनमेंट, इट मिमिक बायोकेमिकल फीचर्स. फर्स्ट 3D culture carried in 1970 by Homburg and Salmon. They carried the 3D culture in soft agar solution. Now, what is it? In the 3D culture, there is a formation of spheroid, three-dimensional structure. There is a formation of spheroid as described in this diagram, in which there is a different layer of cells that grow in these spheroids. According to 40 different type of cancer research, 40 different type of cancer, blood cancer, liver cancer, and other cancer research, it has been three distinct group of spheroids are present: tight spheroids, compact spheroids, and loose aggregate. This is tight spheroids, this is and this is loose aggregate. Now, next slide is, I'm going to skip this slide and cover in the next slide. There is a clear difference between 2D and 3D culture. Time of culture formation. It requires few hours, but it is culture quality, high performance, high reproducibility because they are simple. But it performance and reproducibility because they are difficult to carry out. We have to maintain various factors. In vivo imitation. What is imitation? Imitation is actually the copy of in vivo environment, copy of our inside body. So it do not mimic, but it mimic in vivo tissue, it mimic in vivo 3D structure. Cell interaction, as I discussed earlier, that it does not have proper cell to cell interaction and cell to extracellular environment interaction. Because of this, there is many functions that are disturbed, like proliferation, differentiation, vitality. But in 3D culture, there is a proper interaction of cell to cell and cell to extracellular environment. Characteristics of cell. 2D culture changed the morphology of the cell. It changed the mode of division. It changed the polarity. It changed the diverse phenotype. But 3D culture preserved morphology, division, and diverse phenotype. Next, access to the essential nutrient. In 2D culture, there is unlimited access because there is a direct exchange between the cells and the medium we provide, and there is a variable access. In 3D culture, because there's a formation of spheroids that consist of different layers. So there's an unvariable access. Molecular mechanism is changed the protein expression, messenger RNA splicing, but these expressions are conserved in 3D culture. Maintenance, they are most commonly used. Why? Because they are cheap. They are gaining popularity. Why? Because they are more expensive and less available commercially. Now, we have studied 2D, we have studied 3D. And now I'm going to tell what is co-culture. Co-culture we grow different type of cell in the same medium, in the same environment. We provide same nutrient for the growth of different type of cell. It was first described in 1970. Why? Because to examine the communication among the cell. Now there are three type of communication, intracellular interaction that absorbed in the co-culture, cell to cell, cell to microenvironment, extracellular environment, and paracrine signaling by dissolved factor. What is paracrine signaling? Actually, paracrine signaling is to cell interaction, but it one cell send signal to the other cell to change its morphology, to differentiate it, to affect its function. It closely resemble, I said closely, but not resemble. It's closely resemble to in vivo, interaction in vivo. I said closely resemble because of this reason. When we grow two different cells in the same environment, in the same culture, one cell become target and one cell become assistant cells. These assistant cells support their growth and development. Support, but it doesn't grow as an individuality. So there are two types of co-culture. First, can divide into two types, direct and indirect modeling. We grow different cell type of cell in the same culture. They are mixed together and cultured together. There is no physical barrier which is present in the indirect model. All three types of observation are observed, as I told earlier, cell to cell, cell to microenvironment, and paracrine signaling. But in indirect model, there is a lack of, due to these physical barriers, cells are deprived of these interaction. Now, both type of co-culture can be carried out in 2D as well as 3D. Next slide, I'm going to present. Sir, bas itna hi hai. Stop share kar do. Okay.
सिद्रा शेयर स्टॉप करो. हाँ एक मिनट. कैसे करूं? अच्छा हो गया सर. हाँ हो गया. Okay, sir. So the main topic of my presentation is 2D and 3D culture, so I am going to present on 3D cell culture method. So there are basically three types of 3D cell culture method that are commonly used. One is suspension culture on non-adherent plates. The next one is cultures in concentrated medium or in gel-like substances. And the next is cultures on scaffold. So what is suspension culture on non-adherent plates? When single cells are seeded on non-adherent plates with medium, 3D structures can be observed after 3 days of culture. The advantages of this method is it is very simple to use, it is easy, and the speed of conducting culture. As this method shows you 3D culture after 3 days, so its speed is very high. A bacterial plate or non-adherent culture plate can be used, but only for some cell lines. That means the plates used in this method are very specific. Cells can be easily extracted from the medium and used for further experiments. The limitations of this method are, as the plates used in this method are very specific, so these plates are very expensive, because these plates are coated with specific materials, for example, polystyrene or covalently bonded hydrogel, because of strong adhesion abilities of the cell. The other limitation of this method is when cells move in the medium, they form masses of cells or clusters of cells. The next method is cultures in concentrated medium or in gel-like substances. Single cells grow in medium containing substances with gelling properties. The procedure of this method is you have to dissolve low melting agarose with cell medium, then pour on the plate, incubate it until solidifying. We have to incubate it in order to obtain the first lower layer and the top layer, and the top layer consisting of agarose, and the medium with single layer is added. Then you have to flood it in a metrogel. Metrogel means multi-protein hydrogel. In this method, the 3D structures can be observed after 7 days of the culture. The advantages of this method is soft agar allows you to study both growth of single cell regardless of attachment and the phenomenon of escape from anoccis. So what is anoccis? Anoccis is a programmed cell death that usually occurs in anchor-dependent cells when they detach from the surrounding extracellular matrix. In this method, cells are cultured in metrogel that can be easily recovered for further analysis. Cells in metrogel have three-dimensional interaction from the with the local environment and form tissue-like structures. It is used to study aggressiveness of the cells and potential for metastasis. Metastasis is the spread of cancer cells to new areas of the body by bloodstream or lymph system. So we have seen that there are so many advantages Laiba? Of cultures. Laiba, yes, one second. Ye kis cheez ke advantages and disadvantages hai? Ji sir. Ye jo aap advantages aur disadvantages ke baare mein kis cheez ke hain? सर ये जो हमारे पास सेकंड मेथड है 3D कल्चरिंग का कंसंट्रेटेड मीडियम और इन जेलिक सब्सटेंसेस उसके कल्चर्स इन कंसंट्रेटेड मीडियम का इसके. अच्छा तो इसमें मुझे ये बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोकिस एंड एपोप्टोसिस. सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. किसके डिफरेंस? अगली स्लाइड पे चले ना आपको बताता हूं. जी सर. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन anoccis and apoptosis? Anoccis and
एपोप्टोसिस सर एनोकिस तो होता है वो बेसिकली जो हमारे वैसे एपोप्टोसिस के अंदर भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, लेकिन एनोकिस जो होता है ना वो हमारे पास मतलब एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स के अंदर होता है। तो एपोप्टोसिस किसमें होता है बच्चे? सर वो एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स में होगा। होगा नहीं बताना आपको, हमें डिफरेंस बताना। टाइम इस चले आगे मूव करें, जी सर आगे मूव करें। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा ओके सो वी हैव सीन दैट देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ कल्चर्स इन कंसंट्रेटेड मीडियम और इन जेलिक सब्सटेंसेस। लेट्स टॉक अबाउट सम दिस एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। द फर्स्ट मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन स्फीयर्स फॉर सर्टेन लाइंस एंड द टाइम एंड इनकन्वीनियंट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रिपरेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ एगर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लो लॉन्ग टर्म कल्चर्स और लो रिपीटेबिलिटी ऑफ दिस रिजल्ट्स the difficulty of extracting cells from the agar and immunofluorescence of staining of cells material constituting the material contain endogenous bioactive ingredients. Okay, here what do you mean by the low repeatability of the results? Yes, sir. Here what do you mean by low repeatability of the results? सर क्योंकि इसके अंदर मोस्टली हम लो रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स ये होते हैं इसके अंदर कि हम इसके अंदर जेलिंग प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करते हैं और मेट्रोजेल जब हम यूज करते हैं और इसके जो रिजल्ट्स हमें 7 डेज के बाद मिलते हैं तो उसके बाद रिजल्ट्स के मतलब काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना ये। तो सेंटेंस इज रिटन हियर दैट इज अ लो रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इट? लाइबा अगर आंसर आता है तो दें, इधर उधर की बातें मत घुमाएं। सर रिजल्ट्स के हमारे पास लो रिपीटेबिलिटी मतलब हमारे पास हम अगर 10 दफा एक ही प्रोसेस कर रहे हैं ना सेल कल्चरिंग का तो हमारे पास एक रिजल्ट नहीं आता, डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं बार बार। व्हाई सो व्हाट इज द रीजन द रिजल्ट्स आर नॉट रिपीटेबल इन दिस मेथड? सर क्योंकि ये डिफिकल्ट टू परफॉर्म है और इसके अंदर हम काफी चीजें नो द आंसर नो अगली साइड पे चलें ना। Okay. No. The previous one. जी सर। बच्चे पिछले जिस पे क्वेश्चन कर रहा था मैं अभी। Okay. Here you have mentioned the endogenous bioactive ingredients. Can you name a few endogenous bioactive ingredients? सर मेट्रोजेल जो हमारे पास होती है ना मल्टी जो मेट्रोजेल हमारे पास मल्टी प्रोटीन हाइड्रोजेल होती है उसके अंदर हमारे पास एंडोजीनियस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो हम 3D स्ट्रक्चर हमने सेल्स की 3D स्ट्रक्चरिंग करवानी होती है ना ये उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करवाते हैं। मुझे समझ लगी है, मैंने पूछा कि एंडोजीनियस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के कोई नाम ले सकती है, कोई एग्जांपल दे सकती है, मेरा सवाल ये था बेटा। एंडोजेनस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नो सर। चलें आगे करें पहले। सो द नेक्स्ट वन इज कल्चर्स ऑन स्कैफोल्ड। द सेल्स कैन माइग्रेट अमंग फाइबर्स एंड अटैच टू द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड इज यूजुअली मेड अप ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सच एज सिल्क कोलेजन लैमिनिन एल्गिनेट एंड फिल द स्पेसेस अमंग फाइबर्स grow and divide. The advantage of this system is this system is compatible with commercially available functional tests as well as with DNA, RNA and protein isolation kit. It is easy to prepare for immunohistochemical analysis. The disadvantage of this system is that cells attached to the scaffold flatten and spread like the cells cultured under the adherent conditions. Scale of scaffold and topography of cell distribution may cause various behavior of the cell. As topography is the arrangement of natural and artificial physical features of an area, so it can cause a cell to behave differently. Materials used to construct the scaffold may affect the adhesion, growth, and cell behavior. Cell observation and cell extraction for some analysis can be restricted. Why it is a disadvantage
of this method, the cells are flattened and spreaded. ये cells का flatten और spread होना under the adherent conditions ये disadvantage क्यों है? सर मुझे आपकी समझ नहीं आ रही आपने क्या कहा है? मेरा सवाल ये है कि cells का flatten और spread होना disadvantage क्यों है इस method में? सर आप क्या कह रहे हैं कि cells flatten और spread क्यों होते हैं इसके अंदर? आपने ये एक डिसएडवांटेज बताया ना पहले वाला कि सेल्स जो हैं स्कैफोल्ड फ्लैटन एंड स्प्रेडेड, ये जो डिसएडवांटेज है, तो मैंने पूछा कि ये सेल्स का फ्लैटन और स्प्रेड होना डिसएडवांटेज क्यों है? सर इसका फ्लैटन और स्प्रेड होना डिसएडवांटेज इस तरह से है कि जब हमारे पास एक कल्चर प्लेट होती है तो उसके ऊपर जब हम सेल्स मतलब सेल्स की कल्चरिंग करवा रहे होते हैं, सेल फ्लैटन और स्प्रेड हो जाते हैं तो फिर मतलब उनके अंदर गैप वगैरह कम रह जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट। क्वेश्चन समझ में नहीं आता जो मैं पूछता हूं ना, आप दो अपने पास से कुछ ना कुछ बता देती हैं। चलें आगे मूव करें। सो इन दिस डायग्राम फ्लैटन सेल ग्रोइंग एज मोनोलेयर अंडर 2D कंडीशंस इज शोन। In this diagram, 3D structures in soft agar single cell suspended in a gel are visible. In the 2C diagram, adherent colonies formed between layers of soft agar is shown. In this 3D structures formed on non-adherent plate. In the E diagram, tissue-like structures formed by attached single cell cultivated on low attachment plates. And this diagram, cells cultured with using 3D scaffold system with visible membrane pores. In this diagram, the pores shown on with red color are the cells. Okay, so the next one is spheroid structures. The concept of 3D spheres is based on the creation of spheroid structures in which cells form visible various layers. Spheroids are the three-dimensional cellular aggregates and one of the most commonly and versatile way to culture cells in 3D. The structure mimics the physical and biochemical features of the solid tumor mass. So they are based on the morphology of the spheroid structures. There are three main types of spheroid structures: tight spheroids, compact spheroids, and compact aggregates and loose aggregates. Why tumor cells are less sensitive to drugs in 3D than in 2D cultures? Caused by reduced access to compounds in the medium or by pathophysiological differences due to hypoxia. Hypoxia is a condition in which the body or a region of our body is deprived of adequate oxygen supply at tissue level, or by changes in the cell cycle. Among 2D, 3D, and spheroid models, only 3D cell cultures with the same cell density as natural tissue shows a drug response comparable to the to that of the solid tumor. Thank you. Okay, ji. Is there any question from the audience? Anyone? सर वो एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी अपोप्टोसिस के साथ, लाइक क्या सर वो एमैकिस थी, क्या थी सर उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी? वो उसको सर मैं बताऊं? चलें बता दें सर। एक्चुअली क्या होता है, जब स्फेरॉइड्स बनते हैं ना, तो उसकी जो सेंटर वाली लेयर होती है ना, सेंटर जो लेयर ऑफ सेल होती है, डिफरेंट लेयर होती है ना, तो उनमें से कुछ सेल डी अटैच हो जाते हैं मीडियम उस स्फेरॉइड से, या फिर कोई भी सेल जो कि डी अटैच हो मीडियम से, तो वो क्या होता है कि वो अपना, कुछ सेल्स जो पावरफुल होते हैं वो तो अपनी एक अलग स्फेरॉइड बना लेते हैं, मतलब वो अपना एक और लूजली एग्रीगेट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो सेल डेथ, मतलब कि वो नहीं वो कर पाते, ग्रो नहीं हो पाते, तो वो सेल डेथ हो जाती है जी, शायद इसे कहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, मेरे प्रेजेंटेशन में भी एक वर्ड आया था इसका। अच्छा, कौन-कौन कुछ बात बन रही है? मुझे पक्का नहीं पता, कुछ कुछ समझ आएगी, कुछ मैं फिर कुछ देख लूंगा इसको। एक्चुअली शी वांट्स टू से दैट जब वो स्फेरॉइड्स, असल में जो 3D सेल कल्चर है जो हमने अभी कुछ पढ़ा था एनिमल सेल कल्चर, वो उसको हम 2D कंसीडर करते हैं, उसके अंदर हम पैथिक लेयर। सर मैं इसलिए पूछ रहा था बिकॉज़ मेरी भी कुछ प्रेजेंटेशन लाइक कार्डियक टिश्यू इंजीनियरिंग पे ही थी, तो मैं इसे खुद भी देख लूंगा। सो थैंक यू। चलो आप देख लीजिएगा, मुझे बाकियों को तो बता देना, मैं आप ना सुने अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है मेरे सुनने में तो।
अच्छा मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो एक्चुअली 2D है, 2D जो नॉर्मल क्लास कंडेंसेल्स को मीडिया जनरल ग्रो करवा रहे हैं, 2D एंड व्हेन वी रेफर टुवर्ड्स द 3D, तो 3D के अंदर हम स्फेराइड्स बनाते हैं नॉर्मली, और इसके अंदर ये अभी इन्होंने लाइव वन एक मिनट जैनब, अगर आपने माइक अनम्यूट करना होता तो जरा ध्यान से किया करें बच्चे, वो गलती से हो गया पता नहीं चला सर। आवाज आ रही है एक्चुअली। सो मैं ये बता रहा था कि 3D स्फीयर्स जब बनते हैं, अभी लाइबा ने 3D स्फीयर एग्रीगेट की बात की, उसके अंदर पैटी प्लेट के अंदर हम स्फेराइड्स बनाते हैं एग्रोस को यूज करते हुए या अदर जेलिंग मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें कुछ ये सिद्रा ने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया कि हाउ दीज एग्रीगेट्स और हाउ दीज स्फेराइड्स दे आर बेनिफिशियल टू ग्रो द ह्यूमन सेल्स एंड हाउ दे आर advantageous. तो फिर उन्होंने कुछ इसके अलावा दो तीन मेथड्स भी बताए जिसमें advantages और disadvantages compare किए। उसमें चूंकि थोड़ा सा पार्ट प्रिपेयर नहीं था, मैंने कैलकुलेशन करके देखने की कोशिश की है, बट चलो सही है। तो सिद्रा आपने एक टर्म यूज की थी कि 2D cells are unable to mimic the tumor microenvironment element. लेकिन जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट है ना, उनको ट्यूमर्स को ग्रो करने के लिए कैंसर इनिशिएटिंग सेल चाहिए होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कौन सा कैंसर, जैसे ब्रेन कैंसर है उसके कैंसर इनिशिएटिंग सेल होते हैं पैरासाइट एस्ट्रोसाइट इम्यून सेल्स होते हैं, और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में भी काफ़ी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं, और ब्लड वेसल्स भी उसके लिए मतलब ट्यूमर के लिए चाहिए होते हैं ट्यूमर को ग्रो करने के लिए तक एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बट जो 2D कल्चर है मतलब हम न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसमें डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो रहा होता न्यूट्रिएंट का, लेकिन जो ट्यूमर लेकिन जो हमारे पास 2D होता है उसमें तो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है माइक्रो, जैसे कि ऑक्सीजन होगी, न्यूट्रिएंट होगी, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया, और जो डिफरेंट हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स और ये वगैरह। तो इसलिए हम क्यों नहीं उसे ग्रो कर पाते, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में वेरिएबल एक्सचेंज होता है, डिफरेंट सेल चाहिए होते हैं जिसे हम कैंसर इनिशिएटिंग सेल कहते हैं, जैसे कि इम्यून सेल, फाइब्रोब्लास्टिक सेल, एक्स्ट्रा सेल, ब्लड वेसल्स वगैरह, एपिथेलियल सेल, मतलब वेरी वो तो एपिथेलियल सेल तो वेरिएबल एसेस के लिए हो गया ना, तो इसीलिए। और ये मतलब कि हमने वो ऑब्जर्व किया है कि डिफरेंट कैंसर स्टडी के कि ये पाया जाता है, मतलब 3D में ट्यूमर बनता है, ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसकी मैंने ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं की कि क्यों होती है, कैसे होती है, किस तरह हम उसे प्रोवाइड करते हैं, बस ये ओवरव्यू लिया था मैंने। और दूसरा कि हम ये मतलब कि ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसके भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मुश्किल होती है। ये स्लाइड मैंने डाली नहीं क्योंकि वो टाइम की वजह से, तो उन्होंने ये बताया था कि हम जैसे हमने अभी आपको बताया ना को कल्चर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ग्रो करते हैं, वो इसी तरह होगा ना ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में, लेकिन उसके भी काफ़ी मुश्किल होता है कि जैसे कि एक सेल वो बन जाता है एसिस्टेंट सेल्स और एक सेल टारगेट बन जाता है, और इस तरह और भी काफ़ी मतलब कि दो सेल डिफरेंट ग्रो नहीं कर पाते, एक लिमिट के अंदर रह के वो ग्रो करते हैं, मतलब कि वो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी थे। ओके शहरयार फारूक, आर यू देयर? शहरयार फारूक, आर यू देयर? नो यू आर नॉट देयर। अस्सलाम वालेकुम सर। यार अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे दोस्त को मैंने पुकारा तो ही वाज अनेबल टू अटेंड द क्लास, को बताना आज उसे एब्सेंट मार्क करूंगा कि इस वजह से। ताबिश आ रहे हैं आयुध्या? यस सर। ओके गुड सर। एंड एक मिनट, अभी चीजें चीजें बाद में पूछता हूं। नमान अजीज आयुध्या? नमान अजीज ही इज नॉट देयर। इसका दोस्त कौन है? सौलत नवाज शाह, आयुध्या? दोनों नहीं है। इन दोनों का दोस्त कौन है? मोहम्मद बिलाल, आर यू देयर? बिलाल भी नहीं है। नईम, आर यू देयर? यस सर, आई एम देयर। गुड, ये इन तीनों को बता देना कि इनकी आज एब्सेंट मार्क होगी और इस वजह से होगी। 11:30 AM पे मैंने पूछा था सर। ये सोलत का मैसेज आया है। ठीक है सर, सोलत का तो मैसेज आ गया सर, मैं यही हूँ। ओके सोलत, अपने दोस्त को बता देना। चलें जी, सही है। सो ओके शरियार, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
जनाब शायद यार आप जी सर मैंने ये पूछा था कि टॉपिक्स आप ही असाइन कर रहे हैं ना हमारे ना ना बिल्कुल नहीं ये बच्चों ने मुझे दो आर्टिकल सेंड किए थे तो मैंने उसमें से एक ने कहा कि भाई ये प्रेजेंट कर लें इन्होंने उसको प्रेजेंट कर लिया ठीक है चलो है बोला ओके जी खवातीन हजरात थोड़ा सा हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे दैट इज अबाउट कुछ मेल किए थे टॉपिक्स लेकिन आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया हाँ मैं आज की तारीख में आपको कर दूंगा बच्चे आई फॉरगॉट एक्चुअली ड्यूरिंग द वीकेंड आई वाज टू बिजी तो मैंने कल शाम को सोचा मैं कर देता हूँ फिर मैं सोचा कि सुबह करूँगा तो मैं आज कर देता हूँ मैंने उसको देख लिया अंदर कुछ है ना तो मैं कर देता हूँ सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोटोप्लास्ट लेक्चर इन द लास्ट लेक्चर एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड आवर सस्पेंशन सेल कल्चर उसके साथ ही थोड़ा सा बिल्कुल कैलस का स्टार्ट हो रहा था कुछ पैरामीटर से तो मैंने सोचा कि मैं उससे पहले प्रोटोप्लास्ट कल्चर एम्ब्रियो कल्चर पढ़ा लूँ पढ़ाने के बाद थोड़ा कैलस कल्चर का इंट्रोडक्शन दूंगा उसके बाद हम वो जो पैरामीटर्स हैं अपने उनको डिस्कस करेंगे कि टू एस्टिमेट द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर्स आर देयर दैट वी कैन स्टडी तो अभी जो आज हम डिस्कस करने लगे दैट इज अबाउट द प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड इनिशियली कुछ पुराने वक्तों की बात है व्हेन वी स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट in October and there I told you कि protoplast culture भी हम बनाएंगे and protoplast में मुझे कमरान बट ने बताया था कि protoplast is actually when the cell wall is removed and the remaining part that will be termed as the protoplast and here हम कुछ इसके advantages पढ़ेंगे कि why the protoplast culture is important what are the methods that can be opted to start the protoplast culture as well as हम इसमें ये भी देखेंगे किस तरह से प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है इसको इसमें इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो इसमें इस्तेमाल हो रही है जैसे कि साइब्रिड हाइब्रिड वगैरह वगैरह जो टर्मिनोलॉजी है उनका क्या मकसद है एंड व्हाट आर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइब्रिड एंड द हाइब्रिड इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे इसी लेक्चर के अंदर अच्छा इसके साथ साथ जी हम थोड़ा सा प्रोटोप्लास्ट कल्चर को लेके किस किस्म की जो क्रॉप्स हैं जो डिफरेंट क्रॉप्स वेराइटीज आ रही हैं normally but as well as cell has also ability to regenerate the cell wall still although the cell wall currently that is not present and we have removed the cell wall quite precisely but still the protoplast cell that will be able to regenerate the cell wall that protoplast that is a fragile but can be cultured and grow into a whole plant this is very fragile because you know that whenever the cell wall is removed and now there are more chances for the plant cell to burst off due to osmosis pressure osmotic pressure ki wajah se cell ke burst hone ke chances increase kar gaye because you have removed the cellular wall so isi wajah se hum isko fragile consider karte hain and that can but that fragile cell that can be cultured into a whole plant so in the protoplast cells can originate from any type जो हम प्रोटोप्लास्ट सेल्स को किसी भी टिश्यू से ओरिजिनेट कर सकते हैं इधर वी कैन ओरिजिनेट इट फ्रॉम रूट शूट और स्टेम और एनीवेयर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट वी कैन इंट्रोड्यूस सर्टेन प्रॉपर्टीज इनटू द क्रॉप और एक दफा शायद हमने बात की थी इसी क्लास के अंदर कि नाउ द क्रॉप्स हैव बीन इंप्रूव दैट देयर आर सर्टेन सीरियल क्रॉप्स दे हैव एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड देयर आई टोल्ड यू that the nitrogen fixing traits of the leguminous plants they have been introduced into the cereal plant so wo kis tarah se uske liye dekhte ho hamare paas ek tarika protoplast culture hai so you can say that the protoplast culture that can be used to improve the crop properties iske alawa isme kuch terms istemal hongi hybrids or hybrids cybrids and hybridization and somatic hybridization somatic hybridization and this technique is very famous and common in the biotechnologists microbiologists or pathologists isko jo hai wo
उसको एक्सरसाइज करते हैं इस टेक्निक की. Somatic hybridization was first introduced by Carlson and Nicotiana. और कॉल्सन का इस पर काम था, निकोटियाना पे इसने किया 1960 में. कोपिंग कंट्रीब्यूटेड टू एंजाइमेटिक आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये दो बातें जो है आखिरी पॉइंट ये अभी इसी लेक्चर में मजीद क्लियर हो जाएंगे कि व्हेन वी रेफर टुवर्ड्स एंजाइमेटिक रिमूवल व्हाट डज इट मीन एंड व्हेन वी रेफर टुवर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिमूवल व्हाट डज इट मीन. सो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में अगर हम स्टेप वाइज बात करें तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि प्रोटोप्लास्ट में होगा क्या, वी विल बी रिमूविंग द सेल वॉल. एंड सेल वॉल को रिमूव करना कैसे है, सेल वॉल को रिमूव करने के लिए वी कैन हैव डिफरेंट मेथड्स. एक उसका मेथड हमारे पास मैकेनिकल रिमूवल ऑफ सेल वॉल हो सकता है, दूसरा हमारे पास एंजाइमेटिक रिमूवल ऑफ सेल वॉल हो सकता है. और इसमें हमारे पास जनाब सबसे पहले अगर हम बात कर सकें इसमें मैकेनिकल रिमूवल की, दो मेथड है मैकेनिकल रिमूवल दैट विल बी इन्वॉल्व इन सम नाइफ सम कटर जो कि सेल वॉल को कट करके रिमूव करेंगे. और एंजाइमेटिक जो है वो एंजाइम्स होंगे हमारे पास सेलुलेजेस एंड पेक्टिनेजेस जो कि सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे. ठीक है. एंड सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू आइसोलेट वायबल एंड अनइंजर्ड प्रोटोप्लास्ट एज जेंटली एंड एज क्विकली एज पॉसिबल. तो इसमें दोनों में हमारे पास पर्पज यह है कि चाहे हम एंजाइमेटिक यूज करें चाहे हम मैकेनिकल मेथड यूज करें तो हमारे पास जो सेल है जो प्रोटोप्लास्ट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल रिमूव होनी चाहिए. और ये बात भी याद रखिएगा कि अगर सेल वॉल रिमूव हो गई और हमने उस पर टाइम लिया तो नाउ देयर आर मोर चांसेस फॉर द सेल बर्स्ट ड्यू टू द स्मॉल प्रेशर द सेल इज डिफरेंट टू द सॉल्यूशन. सो वी हैव वी शुड कीप इन माइंड ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स. सो कमिंग नेक्स्ट फर्स्ट दैट वी विल मूव विद द मैकेनिकल मेथड. और मैकेनिकल मेथड में क्या है कि वी नॉर्मली इमर्ज the tissue into the one molar sucrose or until until protoplasm shrunk. So hum karenge kya ke one molar sucrose ka solution banayenge uske andar apna the tissue hai plant ko usko dip kar denge. And you know that one molar solution that will be that is very hypotonic aur usme hamare paas jo hai water content cell ka wo solution mein aa jayega aur jo cell ka protoplast hai protoplasm hai that would shrunk. When the protoplast of the cell there was shrunk, और उसमें हमारे पास क्या होगा कि हम कहेंगे this is plasmolysis, plasmolysis. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो lines हैं this straight lines, this one, these straight lines are actually the cellular walls. These straight lines, cellular walls हैं. इसके अंदर जो plasma था जो protoplasm था ये shrunk कर गया. Whenever it is shrunken, तो होगा क्या कि ये cell wall को छोड़ देगा, cell wall को छोड़ के दरमियान में आ गया. अब हम बड़ी इजीली, बहुत इजीली हम नाइफ लेके तो यहाँ से सेल वॉल को कट कर सकते हैं. कैन वी डू दैट सर? कौन सी नाइफ लेंगे? जाहिर बात है सब्जी काटने वाले तो नहीं लेंगे, इसके लिए तो माइक्रो नाइफ माइक्रो कटर होंगे ना, माइक्रो कॉम बच्चे तो. बट स्टिल सिर्फ अगर नाइफ के साथ वी आर एबल टू कट दीज सेल, तो यहाँ पे सेल वॉल के साथ प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वो साइड पे हो चुका है. तो अब अगर हम यहाँ से सेल वॉल की कटिंग कर दें तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म जो है वो डैमेज नहीं होगा. तो यही हमारा पर्पस था कि वी हैव टू अवॉइड द डैमेज. ओके यस सर. चलो सही है. तो फर्स्ट स्टेप ये है कि वी विल इमर्ज द टिश्यू इनटू द वन मोलर सुक्रोज और हम प्रोटोप्लाज्म को श्रंक करेंगे. प्रोटोप्लाज्म में श्रंक होगा तो वो सेल वॉल से सेपरेट आउट हो जाएगा और हम सेल वॉल को कट कर लेंगे. इसके लिए स्पेशलाइज्ड माइक्रोटॉम कटर्स होते हैं जो कि सैंपल को कट करते हैं और हमारे पास ये प्लाज्मोलाइसिस के रिजल्ट में वी कैन हैव इट. अच्छा, प्लाज्मोलाइज्ड टिश्यू इज कट विद अ शार्प नाइफ एट सच अ थिकनेस दैट ओनली सेल वॉल्स आर कट. तो यहाँ से कटिंग के बाद वी नाउ वी विल बी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स. अब होगा क्या कि जैसे ये सेल्स हैं दो, यहाँ से दरमियान से हमने कट कर दिया तो ये वाला जो सेल था इस सेल का प्रोटोप्लास्ट जो है वो सारे का सारा इधर रह गया. अब इसकी आधी सेल वॉल कट हो गई. नाउ दिस प्रोटोप्लास्ट दैट वुड बी फ्रीली अवेलेबल इनटू द सॉल्यूशन. अब ये जो कुछ सेल्स हैं ये एक दो तीन चार ये सेल्स हैं जिनकी सेल वॉल कट नहीं हुई, ये एज इट इज़ हैं, लेकिन जिनकी सेल वॉल कट हो गई है नाउ वी आर अनएबल टू टेक द एडवांटेज टू आइसोलेट द प्रोटोप्लास्ट ऑफ दीज कट सेल्स. ठीक है.
तो अब इसमें हम करेंगे क्या कि यही जो हमारे पास सेल्स का डायब्रेशन सोल्यूशन होगा सारे को लेके, इसको सारे सोल्यूशन को लेके हम उसको उसको वाटर कंटेंट में, वाटर सोल्यूशन में ऐड कर देंगे। तो अब जैसे ही जो हमारे पास डैमेज सेल होंगे, जैसे हमने कट करके डैमेज किए हुए हैं, तो इनका जो प्रोटोप्लास्ट था ये पहले श्रंकन फॉर्म में था, नाउ दिस विल अब्सॉर्ब द वाटर और ये हमारे पास जो है वो स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरे वाले अनडैमेज सेल थे हमारे पास, अनडैमेज सेल हम इस तरह से जो स्वॉलन प्रोटोप्लास्ट है उसको सेपरेट कर सकते हैं अनडैमेज सेल से, ठीक है। दिस इज द रीजन here that we have provided the one molar sucrose solution, protoplasm shrunk kiya, humne cell wall ko cut kar diya mechanically, uske baad humne cell ke solution ko utha ke water solution mein dal diya, jiske result mein hamare paas jo cells jo protoplasmic cell the, not the cell jo protoplast tha jiske cell wall remove ho chuki thi, us protoplasm ke andar water fill hua, us swollen form mein aaya and now we are able to isolate the swollen cells from the uncut cells. Okay, bhai kisi ko kya mastam cell to nahi hai? Clear sir, thank you doctor. Okay, iske baad isme ek problem jo hame face karni padti hai, that problem is that some cells they release uncut complete protoplast while the rest produces ब्रोकन डेड प्रोटोप्लास्ट। और इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि जब हमने नाइफ के साथ कटिंग की हो, बिल्कुल किया था माइक्रोस्कोपिक से, इट्स पॉसिबल कि कुछ सेल्स का प्रोटोप्लास्ट के बीच में कट हो गया, एंड इफ द प्रोटोप्लास्ट इज कट दिस वुड बी रिलीज एज अ कट एंड रप्चर्ड प्रोटोप्लास्ट, और कुछ सेल जो होंगे इसके अंदर हमारे पास दे विल बी हैविंग अ कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट, सो दैट इज द प्रॉब्लम, वी कैन हैव अ मिक्स ऑफ cut and complete protoplast. Okay, iske baad next one, that is the enzymatic method to remove the cellular walls, aur isme we refers to the use of enzymes which are there to dissolve the cell wall for releasing protoplast, aur isme hamare paas kuch advantages hain enzymatic enzyme ko use karne ke liye, aur advantages kya kya hain ki this use for variety of tissue and organs such as fruits, roots, petioles, leaves, different tissues ke liye hum isko istemal kar sakte hain, aur isme hame osmotic shrinkage jo bhi humne pichle step mein dekhi hai, one molar sucrose ke sath hame osmotic shrinkage kam se kam karni padti hai, cell jo hai wo intact rehta hai, wo injured nahi hota, kyunki hame knife ke sath hum khud bhi cell ko injure kar dete the, aur is case mein cell injured nahi hota, aur protoplast jo hai wo readily obtained hai whenever the enzymes are there, they will be degrading the cellular wall and after that the enzymes will be available readily. Aur uske alawa ye jo enzymatic method hai isko further steps mein divide kiya ja sakta hai, one is the direct method and number two that is the sequential method, and direct method they have, this is the one step method only, and sequential method that is the two step method and even the method the sequences. Iske sath sath पहले अगर हम सबसे देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड को अगर हम देखें, तो उस डायरेक्ट मेथड के अंदर वी कैन गो टुवर्ड्स इंक्यूबेशन ऑफ द लीफ सेगमेंट ओवरनाइट इन एंजाइमेटिक सॉल्यूशन। द फर्स्ट स्टेप ये है कि हम जो लीफ सेगमेंट में कोई भी टिश्यू जिसकी हमने सेल वॉल रिमूव करनी है हम लेके एंजाइम सॉल्यूशन के साथ ओवरनाइट इंक्यूबेट कर देंगे, उसके बाद नाउ द एंजाइम्स आर एबल, एंजाइम्स विल बी, दिस इज वी सपोज एंजाइम्स विल बी डाइजेस्टिंग the cellular wall, and whenever the cell wall will be digested, now we would filter and centrifuge the mixture, or the protoplast hoga wo niche pellet mein hamare paas accumulate ho jayega, aur jo hamara cell debris ya jo cellular wall ki removed debris hoga, that will be accumulated into the pellet, into the supernatant tank, aur fir hum kya karenge ki apne protoplast ko sorbitol ke sath wash karenge, and then we will recentrifuge it. और अब नाउ इन दिस टाइम द क्लीन प्रोटोप्लास्ट जो होगा, प्रोटोप्लास्ट दैट विल बी फ्लोटिंग अंडर सुपरनेटेंट, एंड नाउ वी विल बी एबल टू पाइप इट आउट। तो ये मेथड, डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, ध्यान में रखिएगा। टिश्यू लिया, टिश्यू को लेने के बाद एंजाइम्स के साथ इंक्यूबेट किया, ओवरनाइट इंक्यूबेशन की, अगले दिन मिक्सर को फिल्टर किया और सेंट्रीफ्यूज कर दिया।
सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो प्रोटोप्लास्ट है दैट इज सपोज्ड टू सेटल डाउन इनटू द पैलेट और जो सेल वॉल डेब्री है दैट विल बी एक्युमुलेटेड इनटू द सुपरनेट आफ्टर दैट वी विल वॉश द सॉल्यूशन विद अ सॉर्बिटॉल और सॉर्बिटॉल से और वॉशिंग के बाद हम रीसेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे नाउ द प्रोटोप्लास्ट दैट विल बी फ्लोटिंग ऑन द सुपरनेट एंड ऑन द सरफेस So we can easily pipe it out in the protoplast from that tube to the other tube. This is a direct method that can be used. Second method, that is a sequential method. In this method, the mixture of the enzymes can be used as The mixture of enzymes can be used as well as we can treat the tissue with one enzyme at the first. And after it, we can treat the tissue with the second enzyme. Or leaf segments with the mixture A, enzyme A ke saath we will mix the leaf enzyme. Aur iske saath saath hum karenge kya ke uske baad hum vacuum and filter for 5 minutes. Aur uske baad hum is pure solution ko transfer karenge water bath mein at 25 degrees centigrade aur low shaking karte rahenge. The enzyme mixture is then replaced by fresh enzyme mixture A and leaf segments are incubated for another hour. The mixture will be filtered using nylon mesh and centrifuge for 1 minute. Uske baad hum 13% nitrogen wash karenge. Cells are then incubated with the mixture. Other enzyme mixture that will be definitely cellulose. Aur uske saath saath hum isko yahan pe the temperature hai wo denge. 30 degree centigrade ka uske baad the final step that will be the centrifugation of the solution in that case we will be separating the protoplast from a pellet and hum isko dissolvable to have free time wash karenge main isko phir se zara batane ki koshish karta hu ki hum sequential method mein do jo hai wo enzyme mixtures use karenge pehla mixture A hoga aur dusra mixture B hoga और जो मिक्सर ए है उसके साथ हम पहले अपने लीफ सैंपल को ट्रीट करेंगे और लीफ सैंपल जब हम ट्रीट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को हम एंजाइम बी मिक्सर के साथ ट्रीट करेंगे और एंजाइम बी मिक्सर के साथ ट्रीट करने पे उसके बाद हम क्या करेंगे कि सॉर्बिटॉल के साथ वॉशिंग करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले वाले स्टेप में वॉशिंग की है एंड नाउ दैट वुड बी the sequential method or in this case mein jo hum mixture a ya enzyme a istemal kar rahe hain that is a microzyme aur ye iske liye ph jo require that is 5.8 aur temperature jo hai wo 25 degree centigrade hai slow shaking ke sath hum incubate karenge aur uske baad hum thode time ke baad mazid yahi enzyme a mazid add karenge aur uske baad fir 1 ghante ki incubation karenge after that filtration karenge nylon mesh pe और सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे फॉर 1 मिनट फिर हम क्या करेंगे कि 13% मैनिटॉल के साथ वॉशिंग करेंगे और सेल्स आर देन इनक्यूबेटेड विद एंजाइम मिक्सचर बी और फिर हम दूसरा एंजाइम का मिक्सचर जो कि सेलुलेसिस होते हैं नॉर्मली इनको हम लेंगे एंड दैट कंडीशन द पीएच रिक्वायर्ड इज 5.4 एंड टेंपरेचर रिक्वायर्ड इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इनक्यूबेशन टाइम इज 1.5 आवर or the mixture would be centrifuged for 1 minute so that protoplast from a pellet and clean three times with sorbitol the pellet mein the protoplast accumulate hoga hum uske wash kar denge sorbitol ke sath in that case we can have the separate protoplast okay ji yahan tak humne do method padhe hain enzymatic method and dusra method humne padha mechanical enzymatic ke andar humne sequential method padha or direct method but if you guys have any question you can ask sir is second method ke andar humne do bar isko mixture se transfer karna hai sorry phir se puchega sir main isse cha raha hu ki jab humne jo hamare paas sequential method hai iske andar humne do bar mixture a aur mixture b se jo hamare paas sample hoga usko transfer karna hai nahi do bar wash नहीं ऐसा नहीं पहले मिक्सचर ए के साथ हमने किया है उसको मिक्सचर ए के साथ और मिक्सचर ए के साथ व्हेनेवर वी हैव केपेबल मिक्सचर ए
तो फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद हमने वो मिक्सचर ए वाला टाइम मजीद ऐड कर दिया और फिर हमने एक घंटे की इंक्यूबेशन दिया, ये देने के बाद ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमने मिक्सचर बी के साथ ट्रीट किया और मिक्सचर बी के साथ ट्रीट करने के बाद हमने फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। ऐसे हुआ। ओके सर। ओके जी सर। फिर जनाब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पे चलेंगे दिस इज जी बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी सुन रहा हूँ बोले। जी जी सर। सर मैंने पूछना था हम एक दफा जो है मैनिटॉल से वॉश कर रहे हैं 3 times और एक दफा हम नीचे सॉर्बिटॉल से वॉश कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट वॉशेस जो है वो डिफरेंट और हाँ और उसके बाद फिर जब हम मिक्सर बी के साथ काम कर रहे हैं तो उस पर हम ठीक है। अगला इसके अंदर है जी द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो अभी हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आया है इसको प्योरीफाई कैसे करना है और इसके प्योरिफिकेशन के लिए व्हाट आर द वेज टू प्योरीफाई इट। इस बच्चे अपने माइक म्यूट करें प्लीज, नॉइज आ रहा है किसी के माइक से। So protoplasts, they are purified normally by removing the undigested material. We have to remove the bus protoplasts aur iske alawa jo enzymes honge in sab ko humne remove karna hai. Is wajah se protoplast purification yahan pe important aur isme jo undigested material hai usko undigested material the debris that should be removed. Iske alawa kuch protoplast hain jo ke cell wall remove ho chuke hain, they will be more prone to the burst. और उसके अलावा जो remaining enzymes होंगे हमें उनको भी remove करना है। But debris they are removed by filtering the preparation through a nylon mesh. तो debris को remove करना तो बड़ा आसान है। हम nylon mesh के साथ अपना सारे content को filter करेंगे तो debris that would be removed. दूसरा होगा enzymes are removed by centrifugation where by the protoplast they would be settled to the bottom of the tube and the supernatant removed with the help of a pipette. तो हमें remaining enzyme remove करने हैं, उसका भी बड़ा आसान सा हल है कि हम अपने solution को centrifuge कर लेंगे। जो protoplast होंगे that will be settled down into the pellet and the enzyme they will be removed into the supernatant. और फिर हम intact protoplast जो है इसको हम separate करेंगे from the broken protoplast में through centrifugation और फिर हम उसमें pipetting out कर। इसमें भी simple ऐसे ही होगा कि जो ब्रोकन प्रोटोप्लास्ट हैं जब हम सॉल्यूशन की सेंटिफिकेशन करेंगे तो जो ब्रोकन प्रोटोप्लास्ट हैं दे विल बी सेटल्ड एंड द टॉप ऑफ द ट्यूब और दे विल बी कलेक्टेड, दे कैन बी कलेक्टेड इजीली विद द हेल्प ऑफ द पाइपेट। तो ये तीनों चीजें जो हैं हमारे पास एंजाइम्स बस्ट प्रोटोप्लास्ट और अनडाइजेस्टेड मटेरियल दैट कैन बी रिमूव्ड। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है फॉर द रिमूवल ऑफ इट वी विल बी नीडिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड फॉर द enzymes that may be removed by centrifugation, whereas the broken protoplasts they can be removed through pipetting as they are gathered at the top of the tube. Protoplast culture mein agar hum mazid thodi si baat kare to isolated protoplasts they can be cultured in an appropriate medium to reform cell wall and generate callus. To protoplast mein maine start mein bataya tha ki that is the condition protoplasts that would be able to regenerate a cellular wall and that would be able to grow and to divide normally. So hum agar is protoplast jo humne remove kiya hai protoplast ko remove karne ke baad agar hum mix kare ya humko appropriate medium provide kare to that would be able to regenerate the cellular wall as well as that would be able to start the callus culture again. Theek hai. So what are the optimal culture conditions that can be provided to regrow the protoplast?
इसमें हमें ऑप्टिमल डेंसिटी प्रोवाइड करनी है कल्चर में, वी हैव टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल डेंसिटी। इसके साथ साथ ऑप्टिमल ऑक्सीजन टू साइटोकाइन रेशियो हमें प्रोवाइड करनी है, एज यू आर फैमिलियर विद इट, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। इसके साथ साथ हमें ग्लूकोज एंड सुक्रोज कंसंट्रेशन जो है वो भी मैनेज रखनी है, बिकॉज ऑफ द स्टार्च इफ द ग्लूकोज एंड सुक्रोज रेशियो दैट विल बी वेरिड इट देयर आर मोर चांसेस फॉर द सेल बर्स्ट। और उसके अलावा हमें ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे मीडिया के अंदर टू प्रोटेक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है प्रोटोप्लास्ट कल्चर को स्टार्ट करने के लिए 20-28 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो पीएच रिक्वायर्ड है हमारे पास दैट इज 5.5 to 5.9, और जो केसीन हाइड्रोलेट लाइजेट इस मीडिया के अंदर विल बी एडिंग दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 to 2.5%। तो केसीन हाइड्रोलाइजेट ये हमने उस वहाँ पे पढ़ा था जब हमने प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा था, कि वहाँ पे हमें अमाइनो एसिड लाइजेट्स या हमें प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स ऐड करते हैं मीडिया के अंदर प्रोवाइड द नाइट्रोजनस सोर्सेज। और इसके अलावा हमें नेफ्थोल एसिटिक एसिड्स और कुछ उसके डेरिवेटिव्स हैं ऑक्सीजन के और साइटोकाइनेंस के, दैट वी नीड टू ऐड इट। ठीक है, उसके यहाँ तक जी किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? सर ये जो बेसिकली हमने मेथड अभी पढ़ा है ये हमारे पास सर वॉल रीजनरेटिंग के लिहाज से पढ़ा है हमने अभी? नहीं, ये हमने पढ़ा है कि व्हेनेवर वी विल प्रिपेयर द प्रोटोप्लास्ट, हम प्रोटोप्लास्ट प्रिपेयर तो कर लिया है, अब अल्टीमेट पर्पस है प्रोटोप्लास्ट कल्चर को स्टार्ट करना, अब प्रोटोप्लास्ट से हमने प्लांट को रीजनरेट करना है, तो वो कैसे रीजनरेट करना है उसके लिए है कि हम ये मीडिया प्रोवाइड करें। ठीक है, तो सर पहले उसके लिए हमें सेल वॉल को रीजनरेट करना पड़ेगा ना, फिर केलस बनेगा हमारे पास। हाँ हाँ ऐसे ही, ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे ये सवाल भी एक आता है कामरान के, इफ वी हैव टू रीजनरेट द सेल वॉल देन व्हाई वी आर रिमूविंग द सेल वॉल। सर बेसिकली मेरा यही सवाल था, लेकिन आप मुझे लगा कि पूछना नहीं चाहिए क्योंकि हमने पूरा मेथड पढ़ा है इसके ऊपर। यही सवाल है कि अगर हमने सेल वॉल को ही दोबारा से रीजनरेट करना है डायरेक्ट, हम क्यों नहीं सेल को कल्चर कर लेते, ड्रग केलस को लेते हैं हम, ड्रग वहीं से हम क्या नाम है कल्चर कर लेते हैं, बल्कि वो तो ज्यादा हमारे लिए एफिशिएंट मेथड है। तो यहाँ पे तो प्रोटोप्लास्ट करने में जिनके बहुत चांसेस हमारे पास, हम असल में इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मैच्योर सेल्स होते हैं और जो हम लोगों ने कल्चर करने हैं सेल्स, उनकी सेल वॉल में बहुत ज्यादा फर्क है। लाइक मैच्योर सेल्स की सेल वॉल क्या फर्क है भाई, उनकी एक ही सेल वॉल सेल वॉल नहीं, उसमें सर सेकेंडरी सेल वॉल भी तो है ना। सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट की बनी हुई है और उसकी जो हमारे पास प्लांट है वो टाइम टू टाइम उसे रिमूव करता है, एट द एंड हमारे पास मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में एक अकुमुलेट होती है, तो उसको रिमूव करना जरूरी है ऑब्वियसली। जब हमने एक न्यू पॉइंट से स्टार्ट करना है, बिल्कुल नए सिरे से एक प्लांट रीजनरेट करना है, तो हमें उसकी सेल वॉल को भी जो है वो ऑब्वियसली वो नए सिरे से ही बनाना होगा। सर सेल वॉल स्टार्ट से लेकर एंड तक सेम होती है सर, बट सर सेकेंडरी सेल वॉल का क्या ख्याल है आपका? सेम होती है एफएससी की किताब जाके दोबारा पढ़ लें फिर। अच्छा जी, अब आप दोनों में से कोई नहीं बोलेगा, मैं इसका जवाब देता हूँ। देख सर, ठीक है, आपस की बहस होगी जिसमें। ओके, द पॉइंट इज दैट वी हैव टू रिमूव द सेलुलर वॉल बिकॉज समटाइम्स वी नीड टू फ्यूज द टू सेल्स हाइब्रिड्स बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ तक अभी आगे मजीद इसकी बातें कुछ क्लियर होने की, बट लेट मी क्लियर दिस पॉइंट हियर एट दैट पॉइंट। वी हैव टू prepare the hybrid or the hybrid. Yes, this one. Sometimes, just like I gave an example, we have to introduce the characteristics of leguminous plants into the cereal plant. In that case, this is necessary to fuse the nucleus of the two cells. For the fusion, it is necessary to remove out the cellular wall. If the cellular wall is there, it would not be possible to fuse the two cells. So here in the first step we remove the cellular wall and then we fuse the two cells with one and each other. When the two cells will fuse, hamare paas hybrid banenge aur cybrid banenge. Inka farak abhi batau, hybrid banenge. Hybrid kya hoga, that would be the cell in which there would be two nucleus, jo dono cells mein se aayenge nucleus, aur ek complete protoplasm hoga. Ab ye hamare paas ek cell aa gaya jiske andar do nucleus hain from two different species. अब हम इस सेल को या जो ये जो प्रोटोप्लास्ट है, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है, नाउ वी हैव टू ग्रो इट इनटू द सेल कल्चर।
तो इसके लिए हम जो मीडिया प्रोवाइड करेंगे वो मीडिया हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी अभी जहाँ ये क्वेश्चन जन्म है। तो अब फ्यूजन हो गई, यही हमारा पर्पज है सेल वॉल रिमूव करने का। अब तो हमने इसको ग्रो करना है और ग्रोथ के लिए सेल वॉल बननी है, तो अब सेल वॉल इज फ्यूज्ड के अराउंड बनेगी और यहाँ से रीजनरेशन ऑफ द कैलस होगी, जनरेशन ऑफ द कैलस होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। हाँ, तो ये एक दूसरे को एफएससी की किताबों के ताने देने की जरूरत नहीं है। नाउ यू आर ग्रोन अप और अब एफएससी से आगे और बहुत सारे हैं, तो हम ये भी कह सकते थे कि इसको सर्च कर लो, किसी आप आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते थे, किसी रिव्यू पेपर का रेफरेंस, बड़े हो जाए एफएससी। सर सबसे आसान तरीन तरीका है सर, आप चाहे तो अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके सर। अच्छा जी, ओके अगला है जी, द कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कल्चर इन सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया फर्स्ट जनरेट अ न्यू सेल वॉल, उसके बाद क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट सेल विद अ वॉल दैट विल बी फॉलोड बाय एन इंक्रीज द साइज नंबर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एंड इंडक्शन ऑफ द सेल डिवीजन, और उसके बाद हमारे पास ये सारे के सारे प्रोसेस। द फर्स्ट सेल डिवीजन में अकर विद इन 2 to 7 days ऑफ द कल्चर, 2 to 7 days लगेंगे इसको ऑप्टिमाइज एक्लिमेटाइज होने के लिए और रिजल्टिंग इन स्मॉल क्लम्प्स ऑफ सेल नोन एज माइक्रो कॉलोनी एंड विद इन 1 to 3 weeks डिवीजन स्टार्ट होगी एंड देन स्मॉल क्लम्प्स ऑफ द सेल दे विल बी फॉर्म्ड एंड दे विल बिकम दैट माइक्रो कॉलोनी और माइक्रो कॉलोनी जो है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड उसके बाद हमारे पास कैलस और सर्टन फिर आगे स्टेप्स जो हमारे संभाल ठीक है। From such clumps, there are 2 routes to generate a complete plant, depending upon the species that we are conducting experiment on. So plants are regenerated through organogenesis from callus masses. So in clumps से young micro colonies हमारे पास callus masses बनेंगे और callus masses के बाद हमारे पास regeneration हमारे पास organogenesis होगी और organ formation। और दूसरा हमारे पास microtillae that can be made to develop into somatic embryos which are then converted into whole plant through germination. So uske baad hamare paas microtillae aur somatic embryos ye somatic embryo banega. Somatic embryo se murad yahan se ye hai ki embryo formation to ho rahi hai lekin is embryo formation ke andar anther aur ovary involved nahi, that will be somatic cells embryo. So 2 somatic cells and they will be there to form the एमयू और यहाँ से फिर हमारे पास कंप्लीट जर्मिनेशन होगी। 2 तरीके हैं, या तो कैलस के थ्रू ऑर्गेनोजेनेसिस करवा ली जा सकती है या हम इस फ्यूजन के बाद हम सोमेटिक एम्ब्रियो बनाएंगे और एम्ब्रियो के बाद द होल प्लांट। ओके, इज दैट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? फोकस, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। ओके गुड। एनीवन If you guys have any question, you may ask. Kidhar hai Mahnoor, Mahnoor Khan. Present sir. Oh, okay, is that clear to you? Yes sir. Ye hydrolyze rate ka ek dafa dobara repeat kar diya. To agar main naam puchta to tumne khud se question nahi kiya tha. Okay, Laiba Tahir, do you hear? Have you cleared? Matlab aapko meri awaaz nahi aa rahi? जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तब तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, अब लेक्चर में आपको आवाज आ रही है मेरी? सर उस टाइम मैंने लैपटॉप ऑन किया हुआ था ना, तो उसमें से आवाज बहुत कम आती है। अच्छा, ऐसे है, मुझे लगा था इंटरनेट जो है वो बड़ा क्लेवर किस्म का, मतलब आवाज ज़ूम। नो सर, फोन पे आवाज सही आती है लेकिन वो स्लाइड शेयर करने के लिए लैपटॉप ऑन किया हुआ था। चले सही है, ठीक है। महानोट सुहेल, आर यू देयर? ओह, शी इज नॉट देयर। महानूर, सुहेल, हवैत हुसैन, नुमान और नईम, तुमसे पहले कौन था? मोहम्मद बिलाल। यस यस सर। मैंने हवैत हुसैन जब पूछा था मैंने। अच्छा, सो आगे जनाब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं इसी टॉपिक को, कल्चर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। इसमें हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जिसके लिए अभी हमने इतना इतनी जहमत की है कि वी प्रिपेयर द प्रोटोप्लास्ट, वी फ्यूज द सेल्स एंड देन वी रीग्रोन द सेल्स, और उसमें हमारे पास जो है ऑस्मोटिक
जो हमारा इंपॉर्टेंस है इसमें सबसे पहले तो ये है कि व्हेनेवर वी हैव टू स्टडी द ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ द सेल इन दैट केस वी प्रेफर टू वर्क ऑन अ प्रोटोप्लास्ट कल्चर. इसके साथ साथ समटाइम्स व्हेनेवर इफ वी वांट टू स्टडी द एंडोलिस्टिक एसिड इफेक्ट ऑफ एंडोलिस्टिक एसिड ऑन द सेल in that case we would prefer to study the effect on the protoplast culture. uske baad plasma lemma, plasma ye plasma lemma kya hota hai, plasma lemma ye bata sakte hai ji Kaukal and Kamran, plasma lemma what is that? cell membrane ko kehte hain, cell membrane ko kehte hain. I the plasma plasma lemma I think. chalo aisa karo ki tum is pe zara gaur karo fir is pe baat karte hain, mujhe is pe yaad karwana bataoge tum. What is plasma lemma? उसके बाद if we are there to study the cell wall formation, studies पे focus करना होगा, definitely the protoplast culture that would be more suitable. Organelle isolation, if the protoplast culture, study of morphogenesis, इसके साथ साथ virus uptake and the replication processes, and the study of the photosynthesis, gene transfer. इन सारी studies के लिए the protoplast culture that is very much important. encourage to study. This one that is a complete we are out of time, so just let me take the attendance and we will be starting this topic from this point. Summary of isolation and culture of protoplast, first about perspective pe baat karenge. yahan tak aap log dekh lijiyega, if you guys have any questions you can ask in the next session, and you can communicate through the So Abdul Rafi Peer Zada. Present sir. Acha ji. Adin Khan. Janab Adin Khan nahi. Afaq Ahmed. Afzal Yunus. To hota hai. Alina Batul. Present. Hamdur Rahman Tuba. Present sir. Acha Aziz Qureshi. Present sir. Arij Mateen. Present sir. Aisha Lodhi. Present sir. Aisha Zaman has raised the hand. Dura Ramisha Arif. Present sir. Isha Fatima. Present sir. Faisal Bashir has raised the hand. Hafiza Maria Usmani Rana. Yes, sir. Hassan Raza. Yes, sir. Mr. Haratab Saleem. Yes, sir. Haratab Naman, dono zara kaan khol ke sun lijiye. Main class mein jab bhi call karunga, you guys should be there. Otherwise, I will mark the absent. तो इस वजह से फिर थोड़ा मुझे भी करना पड़ेगा. तो नुमान साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर आ रही आवाज. हाँ नुमान साहब आपने भी ना तशरीफ इधर ही रखनी है जब आप लॉग इन कर लें एक दफा. ठीक है ठीक है. पता है मसले टेक्निकल होते रहते हैं. कौन प्रेजेंट है? अदीन खान सर. अब कहाँ से आ गए हो तुम? चलो भाग जाओ. नेट अटेंडर से एक मिनट पहले डिस्कनेक्ट हुआ. नेट बड़ा वो हो गया, खतरनाक हो गया. सो पता होता है कि अटेंडेंस होने लगी है, डिस्कनेक्ट होने लगा. अच्छा उसके बाद जी जवेरिया इफ्तिखार. Okay. And Javeria Arshad, Khadijat Al-Kubra. Yes, sir. We're present. Okay. And Kaukab Imran. Javeria Arshad, hai? Yes, sir. Okay. And Mahanoor Suhail. Present, sir. Mahanoor, aap ghaib thi abhi thode der pehle. Aur, matlab, join karne ke baad, aap log end tak baitha gaye. Mahanoor Khalid, are you there? Yes, sir. Mariam. Mariam has raised the hand. Janab Asad Riaz. Sir, I am okay, present. Okay. Muhammad Bilal, are you there? Yes, sir. Bilal, where were you at 11:38? Sir, मैं आपकी बात सुन रहा था. मैं दरअसल वो कसन पास बैठा तंग कर रहा था मुझे.
बिलाल ये कजन को समझा लेना कि अगली दफा तुम्हारी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, दिस इज द लास्ट चांस फॉर वो आज रात को आया था। हाँ चलो बेन को भी आए, बेन को भी आए तो उसको बता देना कि मतलब तुम्हारी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। कमरान बट आगे दे जी सर जी। ओके जी नईम साहब भी मौजूद थे जी, नमान अली साहब भी मौजूद, निमरा प्रेजेंट सर, रेशमा, रोहा अहमद प्रेजेंट, सजल वकास प्रेजेंट सर, समैया सज्जाद हैज रेज द हैंड, सोलन नवाज शाह इज देयर, सवेरा इज हियर, यस सर, यस सर, एंड सारिश सईद, यस सर, शहरयार साहब मौजूद थे जी, शहजादी सखी, थैंक यू सर जी, सर मैं प्रेजेंट हूं सर। ये मैं से क्या मुराद है, तो आप अटेंडेंस कॉल करेंगे तो मुझे ख्वाब आएगा कि बच्चा बैठा हुआ है। ओके इसके बाद जी शहजादी सखी जी सर, सिद्रानू वाज प्रेजेंट, सिमरा आ रहे, सिमरा इज नॉट देयर, एंड ताबिश सर आई एम प्रेजेंट, मैंने हैंड जेस्चर किया था। ओके एक्चुअली हां ताबिश इज नॉट देयर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके, एंड मिस वासिका खालिद शी इज नॉट देयर, एंड वजीहा उरूज शी इज नॉट देयर, नहीं शी इज देयर, शी इज देयर हैं, ओके ज़ैन अब्बास, यस सर, ज़ैन हाउ आर यू, नहीं सर मैं नहीं ठीक, ओह व्हाट हैपेंड, ठीक हूँ सर, ठीक है, दो यहाँ पर, ज़ैनो हयात, प्रेजेंट सर, ओके ख़वातीन हमज़ाद, थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, अगली क्लास में प्रेजेंटेशन किस किस की है? सर मेरा ग्रुप बता दे मेरे साथ कौन है और सर? समय से ज़ैनब हयात है, ज़ैनब अगर आप खुद से ग्रुप नहीं बना सकें तो फिर मैंने बनाना है, तो आई विल टेक टाइम, सर किसी को कोई साथ भेज रहे हैं या बच्चे भी हैं, मैंने कहा आई विल टेक टाइम टू मैनेज इट, यस एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा रोहा अहमद का जो ग्रुप है ना सेल एंड टिश्यू कल्चर का, हमने टॉपिक डिसाइड किया है स्टेम सेल्स कल्चरिंग, और हम मुझे ईमेल कर दें जो मैंने कर दी, दो आपने पेपर भेजने थे मुझे, पेपर भी भेजने थे साथ, हाँ जी आपने दो पेपर भेजने हैं जो आपने प्रेजेंट करने हैं बच्चे, चलिए मैं रिप्लाई में भेज दूंगा, हाँ उसमें से मैं एक सेलेक्ट करके आपको दे, ठीक है, ओके जी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सर एक कंफ्यूजन है, हाँ जी बताएं, मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड हो रही है सर, मंडे को मैं और लाइबा फूड की प्रेजेंटेशन टॉपिक कर ले, सर चलेंगे सर, चलेंगे कोकब सर तो कह रहे हैं कि मुझे पेपर करो, तो तुम कह रहे हो खुद टॉपिक डिसाइड करो, हाँ तो अल्लाह के तो खुद डिसाइड करके सर को पेपर देने हैं ना, दो फॉर एग्जांपल दो टॉपिक डिसाइड करो सर को, एक रिसर्च पेपर भेज दो सर, उसमें से बता दे कि